हेलो एवरीवन ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोची थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये सो इसकी स्टेटमेंट है इफ अ फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड एफ डैश इज कॉन्टीन्यूस इन डी देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंट्रोल इन डी दिस इंट्रीगल अलॉन्ग विद दिस कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो सपोज करो ये डोमेन रीजन है हमारा डी और इस रीजन में हमारा फंक्शन f जो है वो एनालिटिक है मतलब वेल well डिफाइंड है और उसका जो फर्स्ट ऑर्डर है उसी फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कैसा है कंटिन्यूस है उस पर्टिकुलर डोमेन में देन हम अगर उस फंक्शन के उस फंक्शन का इंटरगल निकालते हैं अलोंग दैट कर्व डी जेड तो हमें आंसर मिलेगा ज़ीरो सो प्रूफ लेट सी बी द कर्व दैट हैज़ बाउंडेड द रीजन आर ये सी वो कर्व है जिसने इस रीजन को बाउंड किया हुआ है फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं अपना एफ जेड यू प्लस आयोटा वी जहाँ पर यू एक्स वाई वेरिएबल्स का फंक्शन है और वी सेम एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन है देन दिस इंट्रीगल अलॉन्ग दिस कर्व सी एफ डैश इज इक्वल्स टू हमने इसका इंट्रीगल कर दिया तो ये हो जाएगा यू प्लस आयोटा वी एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के इस रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे u डी एक्स यू आयोटा डी वाई देन आयोटा वी डी एक्स माइनस क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो दैट इज माइनस वन एंड वी डी वाई तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया u डी एक्स माइनस वी डी वाई और ये वाली टर्म्स यहाँ पर आयोटा कॉमन लेके ओके देन हमें गिवन है कि जो एफ डैश जेड है वो कैसा है कॉन्टिन्यूस है सो so उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे u का x के रिस्पेक्ट में v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल देन एक्स यू का y के और v का y के ये जो चारों डिफरेंशियल्स हमारे पास होंगे वो भी कैसे होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे उस पर्टिकुलर डोमेन d में अब यहाँ पर हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपके पास यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल होगा और ये किसके इसमें चेंज कर देता है ग्रीन थ्योरम्स इसको डबल इंटीग्रल में चेंज कर देता है और ये आपको आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ये जो एन है जिसका इंटरगल यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हुआ था उसका x में उसका x के रिस्पेक्ट में होगा और जिसका यहाँ पर इंटरगल x के रिस्पेक्ट में था उसका डिफरेंशियल यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में होगा दिस होल डी ए फॉर द एरिया ओके डी एस डी वाई सो बाई कंपेयरिंग वी हैव इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू हमें इस इंटरगल में क्या मिल रही है u n की वैल्यू मिल रही है माइनस वी एंड सेम विद दिस m की वैल्यू यहाँ पर हमें v मिल रही है और n की वैल्यू u तो कंपेयर करने के बाद हमें ये वैल्यूज मिल गई पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए इस इक्वेशन में हम फिर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे सो so दैट हम एक बार इसका निकालेंगे इससे कंपेयर किया तो इसका हम निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे नेक्स्ट हमारा जो इंटरगल एफ जेट डी जेड था वो यहाँ पर डबल इंटरगल लिख दिया एन का एन का एक्स के रिस्पेक्ट में देन माइनस एम का वाई के रिस्पेक्ट में सो so, ये हम हो गया यहाँ पर जो हमने लास्ट एन की वैल्यू निकाली थी वो थी हमारी माइनस का वी और जो एम की वैल्यू निकाली थी वो था यू देन प्लस आयोटा देन सेम वही इंटरगल सेकेंड वाले के लिए भी सेम करेंगे एन का एक्स के रिस्पेक्ट में एम का वाई के रिस्पेक्ट में सो so, एन आया था आपका यू और एम आया था आपका वी तो वही सेम वैल्यूज पुट कर दी और इसको इक्वेशन नंबर बी दे दिया डी ये बेसिकली हमारा क्या है डी एक्स डी वाई है सिंस द फंक्शन इज एनालिटिक जो कि गिवन है हमें फंक्शन हमारा वेल well डिफाइंड है तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी सीआर इक्वेशन हमारी ये दोनों सीआर इक्वेशन हैं इसको हमने इस इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दिया सो so यहाँ पर एफडेस डी आपका डबल इंटरगल यहाँ पर करली यू बाई करली वाई ये जो था हमारे पास करली वी बाय करली एक्स ये किसके इक्वल है यहाँ पर माइनस करली यू बाय करली वाई यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी सेकेंड वाला हमने एज इज रखा है देन यहाँ पर करली यू बाय करली एक्स है विच इज इक्वल्स टू दिस सो यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी और इसको हमने इट इज रखा है ओके सो ये होगा आपका डी एक्स टी वाई यहाँ पर ये यह आपस में कैंसिल जीरो डी एक्स डी वाई ये आपस में कैंसिल जीरो डी एक्सडीवाई हमने सिर्फ एक ही की वैल्यू चेंज की है सो दैट ये आपस में कैंसिल हो जाए दोनों कैंसिल हो गए दोनों जीरो ज़ीरो हो गए सो ज़ीरो प्लस जीरो इजिक्वल्स टू जीरो और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी जो इंट्रीगल होगा आपका एफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू वो ज़ीरो आएगा अलॉन्ग दैट कर्व सी सो एट लास्ट दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ कोचीज थ्योरम सो आई होप ये थ्योरम क्लियर है इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है इफ़ कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक यू